आज सभी आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बनी असेंबली में, एक नानगला गांव है जहाँ पे नजोत पंचायत में एक नई वाइन शॉप जो है इनका केंद्र सरकार का उपहार लोगों को, हम लोगों को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लाइसेंस पॉलिसीज़ होती हैं लिक्वर शॉप के लिए, सरकार बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं दे रही है। उस वाइन शॉप के आसपास बिल्कुल ही माता रानी का मंदिर है, कुछ ही दूरी पर स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहाँ पर अब वाइन शॉप खुल रही है। उससे क्या वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा बच्चों की ज़िंदगी पे, स्कूल में जो बच्चे आते हैं या जो आसपास के लोग हैं, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हम विरोध करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे पहाड़ी क्षेत्र जैसे इलाके हैं जहाँ पर रोज़गार का बिल्कुल प्रभाव, बिल्कुल भी वहाँ पर रोज़गार नहीं है, लोग रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अब वो वापस आएंगे जो दो पैसे कमा कर लाएंगे तो वापस आकर उनको क्या मिलेगा, वहाँ पर वाइन शॉप मिलेगी जो बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है। हमारे क्राइम रेट जो बिल्कुल हमारे इलाकों में कम होता था, अब दिन ब दिन वो भी वहाँ पर बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ों का जो केंद्र सरकार, हमारी एलजी प्रशासन, ये हमारी उनसे निवेदन है कि इस चीज़ को के ऊपर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए कि किस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं, पीएलआई में भी ये पहले पीएलआई की गई थी कोर्ट में कि इन जो ये पॉलिसीज़ हैं लिक्वर वाइन शॉप को लेकर, इनको चेंज किया जाए, इसमें कुछ काम किया जाए, जबकि सरकार ने कहा था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और जो पॉलिसीज़ हैं इसके इस पर कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन इस सरकार ने कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, बिल्कुल भी पॉलिसीज़ में चेंज या कुछ भी नहीं लाया गया। अब स्थिति ये है कि अब मंदिरों के साथ वाइन शॉप्स आपको मिलेंगी, स्कूलों के साथ आपको वाइन शॉप मिलेंगी, जबकि सरकार को अभी रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। आज जिस तरह की जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ों से हटकर वाइन शॉप को किस तरह से घर घर होम डिलीवरी की जाए वो सरकार बहुत अच्छे से बखूबी कर रही है। देखिए पहले भी हमारे बनी में और भी वाइन शॉप्स हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर हमारे बहुत कम आबादी के क्षेत्र हैं, हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छे से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब सरकार क्या नए नए नियम ला रही है कि जिस तरह से वो अपने आप को अपने प्रभाव के लिए या अपनी आमदनी के लिए वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वहाँ पर, अब वो वाइन शॉप वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ के जो पंच सरपंचेस हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, वो भी वहाँ पर बिल्कुल उस बात के अड़े हुए हैं कि वहाँ पर जो वाइन शॉप है वो नहीं खोली जानी चाहिए, और इसको लेकर वो भी वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और आज जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं यहाँ पर, हमारे ओबीसी चेयरमैन, हमारे रंजनीश बसोत्रा जी, नरेंद्र खजूरिया जी वाइस प्रेसिडेंट, एससी सेल के प्रेसिडेंट योगराज जी, विश्व अंडोत्रा जी, ये हमारे साथ हैं, और हम भी यहाँ पर कड़े शब्दों से विरोध करते हैं कि इसके ऊपर हमारे एलजी प्रशासन, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन पूरी जांच करे, ध्यान दे, और इस जो वाइन शॉप वहाँ पर खुल रही है उसके ऊपर पूरी बातचीत करके ध्यान देकर कि वहाँ पर जो भी लोगों के सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उसकी जगह जो है वो चेंज होनी चाहिए। सरकार के प्रयास को किस तरह से देखते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं नशा मुक्त होगा, तो इस तरह से अगर वाइन शॉप खोली जा रही है रेवेन्यू के लिए तो कितना वो देखते हैं गलत? देखिए एक तरफ से सरकार जो है ढोंग करती है नशा मुक्त भारत का, लेकिन दूसरी तरफ से ये बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीज़ों का, जहाँ आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो आज रोज़गार के लिए भटक रहा है, लेकिन रोज़गार उनके पास नहीं है। और जैसे कि गुजरात में देखें नशा मुक्त 370 लागू है, मोदी जी अपने इलाके में नशा बंद का जहाँ पर आगाज़ करते हैं, और जम्मू कश्मीर को वो क्या दे रहे हैं कि नशा करिए, यहाँ के जो युवा हैं वो दर बदर भटके नशा करें, और उनको इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं, वहाँ पर वो अपने इलाके में 370 लागू करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपना मुनाफा। देखिए हमें यहाँ पर क्या कि सरकार ने अपना राजस्व मुनाफा बढ़ाने के लिए जो गांव-गांव में जब ये सब चीज़ों का वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, नशे के प्रति वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा वो इलाका इतना सुंदर इलाका है, टूरिज़्म का वहाँ पर बहुत स्कोप है, जहाँ पर सरकार आज बात करती है कि हम टूरिज़्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, स्कोप वहाँ पर है, लेकिन अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नशे के लिए वो काम कर रहे हैं, वाइन शॉप खोल रहे हैं,
टूरिज्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिक्वर शॉप वाइन शॉप जो है वो सरकार बखूबी काम कर रही है हमारे इलाकों में। अभी आपने कहा कि बनी में जो वाइन शॉप खुली है और मंदिर भी है, स्कूल भी है, बिल्कुल कैसे मिली उनको? वही तो हम बात कर रहे हैं, उसी का विरोध हम, इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए रखी है कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है या हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सरकार है, उनसे हमारा यही निवेदन है कि इसके ऊपर गौर किया जाए और किस तरह से लाइसेंस उनको मिल गया। जैसे इनकी पॉलिसीज़ हैं कि स्कूल के आसपास जो हैं वो लिक्विड शॉप या कोई नशा स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर तो दो दो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और एक हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर इतनी लड़कियाँ वहाँ पर रह रही हैं, तो किस तरह से लाइसेंस मिल गया और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर देखिए, माइनिंग माफिया यहाँ पर है, लैंड माफिया यहाँ पर है, टोल माफिया यहाँ पर है, और अब साथ साथ में ये लिक्वर वाइन माफिया भी यहाँ पर शुरू कर दिया इन्होंने। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पर हमारे हेरिटेज टोपोग्राफी पूरी चेंज की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की। सरकार को इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं है और बिल्कुल ध्यान नहीं देती सरकार। हमारा यही विरोध है, हम ये विरोध कर रहे हैं आज यहाँ से कि हम बिल्कुल जो हमारे इलाका है कठुआ में, जम्मू में, और कितनी वाइन शॉप नहीं खुल रही हैं, लेकिन जो खासकर मैं अपने बनी इलाके की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कम आबादी के क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर सरकार इस तरह की ये जो गलत नीतियाँ अपना रही है, इस तरह की चीज़ें जो कर रही है, हम उसके खिलाफ़ हैं और वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, और सरकार या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पुलिस प्रशासन है, इस पर ध्यान दें और उस जगह को वहाँ से जो वहाँ पर लाइसेंस दिया है किसी को, उसको कैंसिल करें और कहीं और जगह शिफ्ट करें। और ये जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो बनी में वाइन शॉप खुली है उसको कंडेम करने के लिए है, और मैं मीडिया के माध्यम से ये बीजेपी सरकार जो केंद्र में है और जो हमारा एलजी प्रशासन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के किस घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूलों के साथ जो है वाइन शॉप्स खोलेंगे और मंदिरों के पास वाइन शॉप्स खोलेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमने शिक्षा प्राप्त की है, तब हमारे स्कूलों के साथ जो होता था वो किताबों की दुकानें होती थी, वहाँ से हम किताबें खरीदते थे, लेकिन आज कैसा समय आ गया है कि स्कूलों के पास हमें वाइन शॉप्स मिल रही हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे बच्चे वहाँ जाके किताबें खरीदेंगे या वाइन खरीदेंगे। दूसरी ओर जब हम मंदिर में जाते थे उनके पास हमने देखा हुआ प्रसाद की दुकानें होती थी, जो प्रसाद हम भगवान के आगे चढ़ाते थे। ये भाजपा हमारी संस्कृति को किस ओर लेके जा रही है, कौन सी हिंदू संस्कृति को किस ओर मोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों के साथ आप शराब की दुकानें खोलोगे? क्या हम जब मंदिर में जाएंगे तो कौन सा प्रसाद चढ़ाएंगे? पहले हम प्रसाद चढ़ाते थे, क्या हम वाइन चढ़ाएंगे? ये हमारी हिंदू संस्कृति पे एक प्रहार है। ये हमेशा हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी हिंदू संस्कृति को किस ओर लेके जाना चाहते हो? और तमाम लोगों से, अपने हिंदुओं से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो फर्जी हिंदूवाद है इसे बचिए, और इनसे प्रश्न पूछिए कि आप हमारे हिंदुओं के साथ क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हमारे मंदिरों के पास और हमारे मंदिरों के साथ शराब की दुकानें खोल रहे हो, क्यों हमारे स्कूलों के साथ आप शराब की दुकानें खोल रहे हो? अगर खोलनी है तो हमारे स्कूलों के साथ किताबों की दुकानें खोलो, जहां हमारे बच्चे किताबें खरीद सके, और हमारे मंदिरों के साथ प्रसाद की दुकानें खोलो ताकि हमारे लोग प्रसाद वहां से लेके चढ़ा सके। यही मैं कहूंगा। विश्वजी किस तरह से भविष्य उन्होंने विद्यार्थियों का बदला नहीं, जब आए थे ये कह रहे थे रोजगार देके भविष्य बदलेंगे, और कहीं भी नहीं बदला। आपने देखा कभी उत्तर प्रदेश में नाम बदल के प्रयागराज रख देते हैं, कभी किसी का नाम बदल के कुछ रख देते हैं, और मेरे को लगता है बहुत ही जल्दी इनका जो घोषणा पत्र है उसमें ये होगा कि जम्मू का जो मंदिरों का शहर है उसका नाम बदल के ये मदिरों का शहर रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी तादाद में जो है शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उससे यही जाहिर होता है कि ये मंदिरों के शहर का नाम मदिरों का शहर से जाना जाएगा। पहले ये कहते थे कश्मीर में शॉप्स की ये वाइन शॉप्स खुलेंगी, ये एक आंकड़ा तो लाएं सामने कि कश्मीर में कितनी वाइन शॉप्स खोली हैं और जम्मू में कितनी खोली हैं। पहले तो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, ये दिया हमें हमारी ड्यूटी बनने के बाद, 370 हटने के बाद, और अगर आपके घोषणा पत्र में ये है कि मंदिरों के शहर को आप मंदिरों का शहर बनाना चाहते हो, हाथ जोड़ के विनती है हमारे शहर को मंदिरों का शहर ही रहने दे। के बनी के अंदर नजोत पंचायत है, वहाँ पे एक वाइन शॉप जो है वो उपहार के रूप में वहाँ पे लोगों को मिल रही है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे सरकार जो है, मौजूदा सरकार, उसकी जो नीतियाँ हैं उसके विरुद्ध हम बात करेंगे कि जहाँ पे बनी ब्लॉक, नजोत ब्लॉक और बाकी जितने भी वहाँ के ब्लॉक हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो सीधे साधे भोले भाले और ऐसे कामों से कोसों दूर थे वो पहले, लेकिन जब से ये सरकार आई है और इनकी जो नीतियाँ नई नई हैं, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, इन्होंने जहाँ पे स्टेट
का दर्जा तोड़ के झूठी बना दी है। और झूठी के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा जम्मू जो है मंत्रों का शहर रहा है, लेकिन जब से ये सरकार आई है इस सरकार ने जम्मू के अंदर भी कम से कम ज्यादा नहीं 35 जो वाइन छापे हैं उसका लाइसेंस दिया है। एक तरफ ये लोगों को पाठ पढ़ाते हैं पूजा पाठ का, लोगों को कहते हैं ये मंदिरों का शहर है, माता वैष्णो देवी का जहाँ पर निवास है, भोले बाबा जहाँ पे विराजमान है, और बनी के अंदर जो है वहां भी मंदिर है। तो हम देखते हैं कि ये कैसा विडंबना इस वक्त चल रही है कि पहले जब ये सरकार जो है वो हकूमत में नहीं थी तो ये रोज कोई ना कोई बहाना लेके ये प्रोटेस्ट करती थी, तो ये मंदिरों का बहाना भी लेती थी, बाकी लोगों का बहाना भी लेती थी। और हमारा ये जो सिस्टम जो है आज हमारे बच्चे जो है वो क्या सीख रहे हैं कि क्या कि वाइन शॉप जो है वो स्कूल के पास खोली जाए, क्या मंदिरों के पास खोली जाए? जो बच्चे अपनी पूजा अर्चना के लिए वहां पे पहुंचेंगे वो उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा? जो बच्चे स्कूल में जाएंगे अपनी शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए वहां पे जाएंगे उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा? इसलिए मैं अभी भी आपके माध्यम द्वारा जिम्मे सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो और इस समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करने दो, पढ़ने लिखने में आगे चलने दो, इस हिंदुस्तान की तरक्की में उनका हाथ होना चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे ऐसे गंदे जो सिस्टम जो है वो लागू करके, इनकम ठीक है कि सरकार को इनकम चाहिए, लेकिन क्या अपनी जो पब्लिक जो है हिंदुस्तान के जो नौजवान बच्चे हैं उनका कैरियर तबाह करके, तो आप जहाँ पे वाइन शॉप से गुटखे से तम्बाकू से अगर पैसा कमा लोगे तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो बर्बादी है। हमारा हिंदुस्तान अगर जब प्रोग्रेस करेगा तरक्की करेगा तो वो नौजवानों के बलबूते पर करेगा। इसलिए हम आपके माध्यम द्वारा सरकार को पुनः ये आग्रह करते हैं कि ऐसी नीतियों को बदलो और स्कूल और मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों के पास जो है ये पाइन छापे नहीं होनी चाहिए।